नमस्कार, दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में मूसलाधार वर्षा, हैदराबाद में तेज वर्षा के कारण रेड अलर्ट जारी। देश में अब तक 9 करोड़ से अधिक कोविड जांच की गई, स्वस्थ होने की दर 87% से अधिक हुई। कोरोना वायरस के कारण सितंबर में परीक्षा नहीं दे सके परीक्षार्थियों की नीट परीक्षा जारी, परिणाम शुक्रवार को। सरकार ने देश के प्रमुख राजमार्गों और एक्सप्रेसवे पर इलेक्ट्रिक वाहनों की चार्जिंग स्टेशन लगाने के प्रस्ताव आमंत्रित किए। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने वैश्विक आर्थिक वृद्धि दर के अनुमान को संशोधित किया, कोविड महामारी के मद्देनजर अब इसमें 4.4% गिरावट का अनुमान। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम दुबई में दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से। दोपहर समाचार में अतहर सईद के साथ मैं विमलेंदु पांडे। कोविड महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें और हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। तेलंगाना में राजधानी हैदराबाद सहित अनेक हिस्सों में लगातार मूसलाधार वर्षा से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। निचले इलाकों से हजारों लोगों को हैदराबाद के राहत केंद्रों में स्थानांतरित कर दिया गया है। हैदराबाद में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। राज्य में घनघोर वर्षा से बाढ़ का पानी अनेक रिहायशी इलाकों में घुस गया है। राहत और बचाव दल नौकाओं की मदद से हजारों लोगों को, खासकर निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को, सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा रहे हैं। शहर में मूसी नदी खतरनाक स्तर पर बह रही है और इसके दोनों ओर लोगों का आवागमन बाधित है। हैदराबाद और उसके आसपास सभी बड़े जलाशयों में जलस्तर बढ़ गया है और इसका पानी मूसी नदी में छोड़ा जा रहा है। इस बीच राज्य सरकार ने हैदराबाद में गैर आवश्यक सेवाओं वाले सभी निजी और सरकारी कार्यालयों में आज और कल की छुट्टी घोषित कर दी है। हैदराबाद के अनेक हिस्सों में लगातार मूसलाधार वर्षा को देखते हुए लोगों से कहा गया है कि जब तक आवश्यक न हो घर से न निकले। समाचार कक्ष से मैं कनकलता। बने दबाव के कारण ओडिशा में कई स्थानों पर भारी बारिश हुई है। राजधानी भुवनेश्वर सहित दक्षिण और तटीय ओडिशा में पिछले 24 घंटे में कुछ स्थानों पर बहुत ज्यादा वर्षा हुई। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने देश के विभिन्न भागों में तेज बारिश के कारण लोगों की मृत्यु पर शोक व्यक्त किया है। ट्विटर पर श्री नायडू ने तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और ओडिशा में मूसलाधार बारिश से जानमाल के नुकसान पर दुख प्रकट किया। उपराष्ट्रपति ने लोगों से सुरक्षित रहने और स्थानीय अधिकारियों के निर्देशों का पालन करने का आग्रह किया है। देश में अब तक रिकॉर्ड 9 करोड़ से अधिक कोविड नमूनों की जांच की गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 11,45,000 से अधिक जांच की गई। स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी ने बताया कि साल जनवरी में पुणे में केवल एक प्रयोगशाला में कोविड जांच की सुविधा उपलब्ध थी, लेकिन जांच सुविधा बढ़ाकर अब तक 9,90,000 से अधिक जांच की महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की गई है। देश में कोविड संक्रमण से मुक्त होने की दर 87.05% हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 74,000 से अधिक कोविड मरीज ठीक हुए। अब तक 63,00,000 से अधिक लोग संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं। कोविड से स्वस्थ लोगों की संख्या निरंतर बढ़ने से देश में कोविड उपचार करा रहे लोगों की संख्या कम करने में मदद मिली है। इस समय कुल संक्रमित लोगों की संख्या के केवल 11.42% मरीज ही उपचार करा रहे हैं। अब 8,26,000 मरीजों का उपचार चल रहा है। पिछले 24 घंटे में 63,509 लोग संक्रमित हुए। इसके साथ ही संक्रमित लोगों की संख्या 72,00,000 से अधिक हो गई है। जांच, निगरानी और उपचार की केंद्र की नीति प्रभावी ढंग से लागू करने के कारण कोरोना से स्वस्थ लोगों की संख्या बढ़ी है और मृत्यु दर घटी है। इस समय देश में मृत्यु दर 1.53% है, जो विश्व में सबसे कम मृत्यु दर में से एक है। पिछले 24 घंटों में 730 लोगों की मृत्यु के साथ मृतकों की संख्या 1,10,586 हो गई है। स्वास्थ्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने कहा है कि भारत में संक्रमण से ठीक होने वालों की दर
विश्व में सर्वाधिक है। उन्होंने कहा कि भारत ने जांच की क्षमता बढ़ाकर प्रतिदिन 15 लाख कर दी है। कल मंत्री समूह की 21वीं उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए डॉ हर्षवर्धन ने ये बात कही। स्वास्थ्य मंत्री ने लोगों से आगामी त्योहारों के मौसम में कोरोना संक्रमण से संबंधित सभी सावधानी का पालन करने की अपील की है। आने वाली सर्दी में खासकर जो हमारे त्योहार आ रहे हैं उनके अंदर विशेष सावधानी, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, मास्क, 2 गज की दूरी और साथ में हाथों की और रेस्पिरेटरी हाइजीन, हमारा आग्रह है कि इस पर देश के लोग ध्यान दें तो निश्चित रूप से आने वाले समय में जिस तरह से दुनिया में सबसे ज्यादा रिकवरी रेट और सबसे कम फैटेलिटी रेट हमारा है, हम कोविड के ऊपर निर्णायक विजय प्राप्त करेंगे। तमिलनाडु में कोविड 19 से संक्रमित होने वाले नए रोगियों की संख्या में कल लगातार दूसरे दिन गिरावट आई और ये 5,000 से नीचे ही रही। राज्य में फिलहाल कोरोना का इलाज करा रहे या घरों पर पृथकवास में रखे गए मरीजों की संख्या भी 44,000 से नीचे ही है। इस बीच राज्य के स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव डॉ जे राधाकृष्णन ने कहा कि अस्पतालों में द्रव ऑक्सीजन की कमी नहीं है और उसका समुचित भंडार रखा गया है। तेलंगाना में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड के 1,446 नए मामलों की पुष्टि होने के बाद कुल संक्रमित लोगों की संख्या 2,16,238 हो गई है। राज्य में कल 40,000 नमूनों की जांच की गई। इस संक्रमण से कल 1,918 लोग ठीक हुए, स्वस्थ होने की दर में सुधार हुआ है और ये 88.45% हो गई है। छत्तीसगढ़ सरकार ने कोरोना नियंत्रण क्षेत्र के बाहर सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, मनोरंजन और खेल गतिविधियां आयोजित करने की अनुमति दे दी है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से। आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रमों में वही व्यक्ति भाग ले सकेंगे जिन्होंने फेस मास्क पहना होगा। आयोजकों को आयोजन स्थल पर साबुन, पानी और सैनिटाइजर की व्यवस्था करनी होगी। साथ ही कार्यक्रम के दौरान शामिल होने वाले व्यक्तियों के बीच सुरक्षित दूरी का पालन भी करवाना होगा। इन कार्यक्रमों में उन व्यक्तियों को ही शामिल होने की अनुमति दी जाएगी जिनमें कोरोना के लक्षण नहीं होंगे। इस बीच छत्तीसगढ़ में कोरोना सघन सामुदायिक सर्वे अभियान के तहत अब तक लगभग 56 लाख घरों में सर्वे किया जा चुका है। इस दौरान कोरोना संक्रमण से मिलते जुलते लक्षणों वाले 1,16,000 से अधिक मरीजों की पहचान की गई है। इस सर्वे अभियान के तहत स्वास्थ्य विभाग द्वारा राज्य के ग्रामीण और शहरी इलाकों में घर घर जाकर कोरोना संक्रमित मरीजों की पहचान के लिए जरूरी जानकारियां जुटाई जा रही हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए रायपुर से मैं विकल्प शुक्ला। अभिनेता राजीव वर्मा ने लोगों से बाहर आने के बाद साबुन से हाथ धोने और आवश्यक सावधानी बरतने को कहा है। ये वक्त बहुत ही कठिन है और हमारा देश या हमारा नगर ही नहीं, पूरा संसार ही इस कठिन दौर से गुजर रहा है। सब लोगों से अनुरोध करूंगा कि जब भी आप बाहर जाएं और मिलना जुलना जब करें किसी से, अपने घर में भी जो बाहर का कोई आदमी आता है तो मास्क का प्रयोग अवश्य करें। इसके अलावा जब भी बाहर से आते हैं तो हाथ साबुन से धोना बहुत आवश्यक। इसके अलावा हमेशा हमें साफ सुथरा हाइजीन का ध्यान रखना चाहिए। केंद्र सरकार द्वारा कर्नाटक के विजयपुरा जिले में महामारी के कारण भुखमरी से लड़ रहे लोगों के लिए शुरू की गई प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना से गरीबों को लाभ मिला है। विजयपुरा के खाद्य और आपूर्ति विभाग के उपनिदेशक सिद्धाराम मरिहाल ने बताया कि इस योजना के तहत गरीबों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। प्राइम मिनिस्टर गरीब कल्याण अन्न योजना इज वेरी हेल्पफुल टू द पुअरेस्ट सेक्शन ऑफ दिस सोसाइटी। एवरी सिटीजन हु हैज अंत्योदय अन्न योजना एंड बीपीएल कार्ड्स इन कर्नाटक स्टेट, दे आर गेटिंग 5 kg ऑफ राइस पर पर्सन एंड 1 kg ऑफ चना पर कार्ड और पर फैमिली। थ्रू दिस स्कीम सो मेनी हंग्री एंड वर्कलेस पीपल सेटिस्फाइड देयर हंगर थ्रू दिस स्कीम। महाराष्ट्र सरकार ने आज कहा कि राज्य के चिकित्सा शिक्षा विभाग को RT-PCR जांच किट में त्रुटि का पता चला है। राज्य के चिकित्सा शिक्षा मंत्री अमित विलासराव देशमुख ने कहा कि जांच किट में खामी का पता चलते ही सरकार ने इनकी आपूर्ति पर रोक लगा दी। उन्होंने कहा कि विभाग की प्रयोगशालाओं में जांच के दौरान पता चला कि जांच किट अपेक्षित परिणाम नहीं दे रही थी, इसलिए इनकी पुनः जांच की गई और गलत परिणाम का पता चला। श्री देशमुख ने कहा कि तब से भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद राज्य में नई जांच किट की आपूर्ति कर रही है। उन्होंने कहा कि दोषपूर्ण जांच किट की खरीद की जांच के लिए समिति गठित की गई है।
आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज अपने फोन इन कार्यक्रम में हिंदी और अंग्रेजी में कोविड 19 पर विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा। यह कार्यक्रम आज रात 9:30 बजे से FM गोल्ड चैनल और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। नई दिल्ली के गोविंद वल्लभ पंत अस्पताल के डॉ संजय पांडे चर्चा में भाग लेंगे। श्रोता हमारी टोल फ्री नंबर 1800-115767 पर फोन करके विशेषज्ञ से सीधे सवाल पूछ सकते हैं। लैंडलाइन नंबर 011-2331-4444 पर भी सवाल पूछे जा सकते हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। ये आकाशवाणी है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में मूसलाधार वर्षा, हैदराबाद में तेज वर्षा के कारण रेड अलर्ट जारी। देश में अब तक 9 करोड़ से अधिक कोविड जांच की गई, स्वस्थ होने की दर 87% से अधिक हुई। कोरोना वायरस के कारण सितंबर में परीक्षा नहीं दे सके परीक्षार्थियों की नीट परीक्षा जारी, परिणाम शुक्रवार को। सरकार ने देश के प्रमुख राजमार्गों और एक्सप्रेस वे पर इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग स्टेशन लगाने के प्रस्ताव आमंत्रित किए। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने वैश्विक आर्थिक वृद्धि दर के अनुमान को संशोधित किया। कोविड महामारी के मद्देनजर अब इसमें 4.4% गिरावट का अनुमान। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम दुबई में दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से। मेडिकल स्नातक पाठ्यक्रम की प्रवेश परीक्षा नीट आज उन विद्यार्थियों के लिए फिर आयोजित की जा रही है जो पिछले महीने की परीक्षा में कोविड प्रतिबंधों के कारण शामिल नहीं हो सके थे। उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने पुनर्परीक्षा का आयोजन किया है। 13 सितंबर और आज की परीक्षा का संयुक्त परिणाम 16 अक्टूबर को घोषित किया जाएगा। केंद्र सरकार ने देश के प्रमुख राजमार्गों और एक्सप्रेसवे पर इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग स्टेशन लगाने के प्रस्ताव आमंत्रित किए हैं। भारी उद्योग विभाग ने चार्जिंग संबंधी बुनियादी ढांचा तैयार करने और संचालित करने के लिए सरकारी संगठनों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, राज्य के स्वामित्व वाले डिस्कॉम, सार्वजनिक क्षेत्र के तेल उपक्रमों और अन्य सार्वजनिक तथा निजी निकायों से प्रस्ताव मांगे हैं। एक रिपोर्ट। मुंबई पुणे अहमदाबाद वडोदरा दिल्ली आगरा यमुना एक्सप्रेसवे, बंगलुरु मैसूर बंगलुरु चेन्नई सूरत मुंबई आगरा लखनऊ ईस्टर्न पेरिफेरल और हैदराबाद ORR एक्सप्रेसवे पर चार्जिंग स्टेशन लगाने की योजना है। दिल्ली श्रीनगर दिल्ली कोलकाता आगरा नागपुर मेरठ गंगोत्री धाम मुंबई दिल्ली मुंबई पणजी मुंबई नागपुर मुंबई बंगलुरु और कोलकाता भुवनेश्वर सहित अन्य राजमार्गों पर भी इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग ढांचा विकसित किया जाना है। केंद्र ने 1 अप्रैल 2019 से 3 वर्ष के लिए फेम योजना के दूसरे चरण को मंजूरी दी है। भारत में हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों को तेजी से अपनाने और विनिर्माण फेम योजना के तहत सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल को प्रोत्साहन दे रही है। इसका मुख्य उद्देश्य बैटरी से चलने वाले सार्वजनिक और साझा परिवहन को बढ़ावा देना है। इस योजना के तहत बुनियादी ढांचा विकसित करने वाले संगठनों को पूंजी सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। समाचार कक्ष से मैं कनकलता। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने केंद्र शासित प्रदेश की स्वास्थ्य बीमा योजना की मुख्य विशेषताओं की आज समीक्षा की। बैठक के दौरान उपराज्यपाल ने गोल्डन कार्ड की अनुमति देने की प्रक्रिया की भी समीक्षा की। उन्होंने केंद्र शासित प्रदेश के सभी नागरिकों को स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर बल दिया। श्री सिन्हा ने कहा कि देश की श्रेष्ठ स्वास्थ्य बीमा योजना बनाने और सभी नागरिकों को स्वास्थ्य बीमा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए केंद्र शासित प्रदेश की स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली में सुधार किया जा रहा है। उपराज्यपाल ने प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से नई स्वास्थ्य बीमा योजना के बारे में व्यापक जागरूकता अभियान चलाने का निर्देश दिया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
पात्रता आधारित स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का एक परिचालन विस्तार है, जिसके तहत जम्मू कश्मीर के सभी निवासियों को प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख का बीमा कवर प्रदान किया जाएगा, जिसमें 15 लाख अतिरिक्त परिवार शामिल होंगे। जेके हेल्थ स्कीम का लाभ देश भर में 1599 पैकेज के तहत 23,000 से अधिक अस्पतालों में किया जाएगा। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि इस योजना के माध्यम से जम्मू कश्मीर सरकार अपने निवासियों के समग्र कल्याण के लिए सस्ती स्वास्थ्य सुविधाओं की सुविधा प्रदान कर रही है और सभी हितधारकों को समन्वित तरीके से काम करना चाहिए, ताकि जम्मू और कश्मीर के प्रत्येक निवासी को इसका लाभ परेशानी मुक्त तरीके से मिल सके। आकाशवाणी समाचार के लिए श्रीनगर से मैं सुनील कोल। मध्य प्रदेश पुलिस ने अपराधी पृष्ठभूमि वाले समुदायों को समाज की मुख्य धारा में जोड़ने का अनूठा प्रयास किया है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि देह व्यापार जैसे अपराध में शामिल बाछड़ा और कंजर समुदाय को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए पुलिस की अभिनव पहल है। मध्य प्रदेश में यह अपनी तरह का पहला प्रयास है। रतलाम एसपी गौरव तिवारी ने बताया कि निजी कंपनियों में इन समुदायों के युवक युवतियों को निशुल्क प्रशिक्षण और रोजगार दिलाने की शुरुआत की गई है। पुलिस भर्ती में भी इन्हें अवसर दिलाने के प्रयास किए जा रहे हैं। हम लोगों ने चीज को रियलाइज किया कि जो नई पीढ़ी के लोग हैं, ये पुलिस से प्रशासन से डर के जो भाग रहे हैं ना, ये कहीं न कहीं हम लोगों के लिए एक चिंता का विषय है कि आने वाले टाइम पर ये फिर अपराधी का ही स्वरूप लेंगे। इनको समाज की मुख्य धारा से जोड़ना और इनको अपराध से मुक्त कराना, ये मेन सफलता होगी हम लोगों की। फिर इस पर हम लोगों ने वर्क करना स्टार्ट किया, के समाज के लोगों से बात किया हम लोगों ने, इसके लिए हम लोगों ने कई सारे कैंप लगाए। ये प्रयास रंग दिखाने लगे हैं और अब तक विभिन्न कंपनियों में पहले चरण में बांछड़ा और कंजर समुदाय के करीब 100 युवकों को नौकरियां मिल गई हैं। बांछड़ा समाज के अध्यक्ष राकेश चौहान ने भी पुलिस के इन प्रयासों की सराहना की है। बहुत बढ़िया, खुशी की बात है और प्रशासन और प्रशासन का दोनों ऐसी योजना लागू करने के लिए स्वागत है। समाज के युवाओं को ये अवसर मिलना अपराध रोकने के साथ साथ पीढ़ियों से चली आ रही सामाजिक कुप्रथा को रोकने में भी बहुत कारगर साबित हो सकता है। रतलाम से अदिति मिश्रा के साथ संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में महिलाओं और लड़कियों के साथ हो रहे अपराध से संबंधित मामलों पर तुरंत और कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा है। आगरा, चित्रकूट और प्रतापगढ़ जिलों की घटनाओं पर संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इस तरह की घटनाओं में वरिष्ठ अधिकारियों को स्वयं घटनास्थल पर जाकर तुरंत जांच संबंधी कार्रवाई करनी चाहिए। ब्यौरा हमारी संवाददाता से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वरिष्ठ अधिकारी पीड़ित परिवारों की देखभाल करें और उन्हें तत्काल फौरी सहायता उपलब्ध कराएं। इसके साथ ही जहां सुरक्षा की आवश्यकता हो वहां तत्काल सुरक्षा उपलब्ध कराई जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि जहां पर महिला संबंधी, बालिकाओं संबंधी और खासतौर पर दलित वर्ग से संबंधित बालिकाओं और महिलाओं के साथ अपराध के प्रकरण सामने आए, वहां तत्काल घटना का संज्ञान लेकर मुकदमों को फास्ट ट्रैक कोर्ट और पॉक्सो कोर्ट में दाखिल कराया जाए और त्वरित न्याय सुनिश्चित कराया जाए। गोंडा में 3 लड़कियों के ऊपर तेजाब फेंके जाने के मामले का संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री ने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा है। इस मामले के आरोपी को पुलिस ने एक दिन पहले एक मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया था। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। जम्मू कश्मीर के शोपियां जिले के चाकुरा इलाके में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 2 आतंकवादी मारे गए। पुलिस के अनुसार सुरक्षा बलों के संयुक्त दल ने इस इलाके में आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना मिलने पर तलाश अभियान चलाया था। संयुक्त दल के संदिग्ध स्थान पर पहुंचने के बाद ही आतंकवादियों ने गोलीबारी शुरू की। जवाबी कार्रवाई में 2 आतंकवादी मारे गए। आतंकवादियों की पहचान की जा रही है। अंतिम समाचार मिलने तक तलाश अभियान जारी था। ब्यौरे की प्रतीक्षा है। गुजरात में विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी 17 अक्टूबर से लोगों के लिए फिर से खोल दी जाएगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि पर्यटकों के लिए नवरात्रि के पहले दिन से खोला जा रहा है। सरदार सरोवर नर्मदा निगम लिमिटेड के अनुसार विश्व प्रसिद्ध पर्यटक स्थल स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कोरोना वायरस महामारी के चलते बंद होने के बाद पहली बार खोला जाएगा। सामाजिक दूरी बनाए रखने के लिए प्रतिदिन सिर्फ 2500 पर्यटकों को प्रवेश मिलेगा। इसमें से भी सिर्फ 500 पर्यटक को सरदार पटेल की प्रतिमा पर 193 मीटर की ऊंचाई पर स्थित दर्शक गैलरी पर जाने की अनुमति मिलेगी। प्रवेश टिकट 2 घंटे के स्लॉट के लिए सिर्फ ऑनलाइन मोड पर प्राप्त होगी। पर्यटकों को उनके निर्धारित स्लॉट में ही प्रवेश मिलेगा। फिजिकल टिकट या स्थल पर टिकट की बिक्री पूरी तरह बंद रहेगी। सभी मुलाकातियों के लिए मास्क पहनना अनिवार्य होगा। थर्मल स्क्रीनिंग, सैनिटाइजेशन और सामाजिक दूरी के लिए निशान आदि सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। पर्यटकों को लाने वाली विशेष बसों में भी सामाजिक दूरी के नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। योगेश पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खाद्य और कृषि संगठन की 75वीं वर्षगांठ पर शुक्रवार को 75 रुपये का सिक्का जारी करेंगे। वंचित वर्ग के लोगों को आर्थिक और पौष्टिक रूप से सक्षम बनाने के लिए इस संगठन ने अतुलनीय काम किया है। भारत लंबे समय से इस संगठन से जुड़ा रहा है। गेहूं की एक नई किस्म MCCS 6478 के इस्तेमाल से महाराष्ट्र के गांव में किसान दुगुनी उपज ले रहे हैं। विज्ञान और टेक्नोलॉजी मंत्रालय ने बताया है कि इस किस्म को विज्ञान और टेक्नोलॉजी विभाग के एक स्वायत्त संस्थान अगहारकर रिसर्च इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने विकसित किया है। बिहार में राज्य विधानसभा चुनाव के पहले चरण के चुनाव के लिए सुरक्षा बलों की तैनाती की जा रही है। 16 जिलों के 71 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में इस महीने की 28 तारीख को वोट डाले जाएंगे। पहले चरण में नक्सल प्रभावित इलाकों में मतदान कराया जाएगा। केंद्रीय अर्धसैनिक बल मतदाताओं को विश्वास में लेने के लिए गश्त लगा रहे हैं। झारखंड से सटे इलाकों में तलाश अभियान जारी है। बिहार और झारखंड पुलिस संयुक्त अभियान चला रही है। जमुई जिले के झाझा पुलिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत सुरक्षा कर्मियों ने 40 किलोग्राम विस्फोटक बरामद किया। चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद निगरानी दल और उड़न दस्ते स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। विभिन्न एजेंसियों द्वारा 9 करोड़ 19 लाख रुपए नकद बरामद किए गए। राज्य के विभिन्न इलाकों में 1604 चेकपोस्ट बनाए गए हैं। उम्मीदवारों के चुनाव खर्च पर नजर रखने और काले धन का इस्तेमाल रोकने के लिए 67 पर्यवेक्षक तैनात किए गए हैं। इसके अतिरिक्त मतदान के लिए 134 पर्यवेक्षक और 37 पुलिस पर्यवेक्षक तैनात किए गए हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने जून के अनुमान की तुलना में विश्व अर्थव्यवस्था में कुछ सुधार की संभावना व्यक्त की है। विश्व आर्थिक परिदृश्य के बारे में नवीनतम रिपोर्ट में मुद्रा कोष ने कहा कि जोखिम कुछ कम हुआ है, लेकिन वैश्विक अर्थव्यवस्था अब भी गंभीर दबाव में है। मुद्रा कोष ने वैश्विक वृद्धि दर में 4.4% गिरावट का अनुमान लगाया है, जबकि जून में इसमें 5.2% गिरावट की आशंका व्यक्त की गई थी। मुद्रा कोष का कहना है कि कुछ सुधार के बावजूद इसे अब भी खराब प्रदर्शन माना जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की मुख्य अर्थशास्त्री गीता गोपीनाथ ने रिपोर्ट की प्रस्तावना में कहा कि संकट से निपटने के लिए अभूतपूर्व राजकोषीय मौद्रिक और विनियामक उपायों के कारण विश्व अर्थव्यवस्था को और गहरी मंदी में जाने से रोकने में मदद मिली। हालांकि उन्होंने चेतावनी दी कि इस आपदा से निपटने में लंबा समय लगेगा और तब तक स्थिति असमान तथा अत्यधिक अनिश्चित बनी रहेगी। आज दुबई में दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से होगा। आईपीएल क्रिकेट प्रतियोगिता में कल रात दुबई में चेन्नई सुपर किंग्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 20 रन से हरा दिया। महाराष्ट्र सरकार ने आज कहा है कि 12 अक्टूबर को मुंबई में बिजली आपूर्ति ठप होने में गड़बड़ी से इनकार नहीं किया जा सकता। राज्य के बिजली मंत्री डॉ नितिन राउत ने संवाददाताओं को बताया कि सर्किट 1 से सर्किट 2 में लोड ट्रांसफर करते समय ब्रेकडाउन हुआ, जिससे मुंबई, ठाणे और पालघर में सोमवार को बिजली आपूर्ति बाधित हुए। इस संबंध में चर्चा करने के लिए सरकार ने आज बैठक बुलाई है। श्री राउत ने कहा कि बैठक में 2011 में इसी तरह की घटना की जांच के लिए गठित समिति की रिपोर्ट पर चर्चा होगी। किसी व्यक्ति का नाम लिए बिना डॉ राउत ने आरोप लगाया कि कुछ व्यक्ति जानबूझकर राज्य बिजली विभाग की छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। रेल मंत्रालय ने त्योहारों के दौरान संभावित भीड़भाड़ को देखते हुए 196 जोड़ी विशेष रेलगाड़ियों को चलाने का फैसला किया है। ये विशेष रेलगाड़ियां इस महीने की 20 तारीख से 30 नवंबर के बीच संचालित की जाएंगी। रेल मंत्रालय ने कहा है कि इन रेलगाड़ियों का किराया मौजूदा विशेष रेलगाड़ियों के किराए के बराबर होगा। भारतीय मौसम विभाग IMD ने महाराष्ट्र में अगले 2-3 दिन में तेज से बहुत तेज बारिश की नई चेतावनी जारी की है। मुंबई, थाने, रायगढ़ और पालघर जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट घोषित किया गया है। IMD ने बताया है कि बंगाल की खाड़ी के ऊपर अत्यधिक गहरे दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। इसके प्रभाव से महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में तेज से बहुत तेज वर्षा होगी। तट पर और तट से दूर 40-50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है। मौसम विभाग ने यह भी बताया है कि मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा क्षेत्र में आज वर्षा होने की उम्मीद है, जबकि मुंबई और कोंकण क्षेत्र में कल और परसों बारिश होगी।
राजस्व अधिकारियों के अनुसार पिछले दो दिन में मूसलाधार वर्षा से मराठवाड़ा, उत्तरी महाराष्ट्र और विदर्भ में फसलों को पहले ही नुकसान हो चुका है। मौसम विभाग के महानिदेशक मृत्युंजय महोपात्रा ने आकाशवाणी को बताया कि मध्य महाराष्ट्र, दक्षिणी कोंकण, कर्नाटका के तटीय इलाकों, गोवा और दक्षिणी गुजरात में अगले 24 से 48 घंटों में मूसलाधार वर्षा की संभावना है। इन इलाकों में मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। बिहार बंगाल पे जो डिप्रेशन बना था वो 13 तारीख सुबह आंध्र प्रदेश तट को पार करने के बाद धीरे धीरे पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा में गति करके आज पोन्नून में इंटीरियर कर्नाटक में गुलबर्गा के आसपास केंद्रीभूत है। ये धीरे धीरे पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा में गति करके एक वेलमार्क लो प्रेशर एरिया में आज शाम तक परिणत होने का उम्मीद किया जा रहा है। इसके प्रभाव में मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा एंड कोस्टल कर्नाटक में हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल कुछ इलाकों में होने का उम्मीद किया जा रहा है। वाइड स्प्रेड रेन हो सकता है और आइसोलेटेड प्लेसेस में एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल यानी 20 सेंटीमीटर से ज्यादा रेनफॉल आज होने का उम्मीद किया जा रहा है। और कल सिर्फ कोंकण एंड गोवा और कोस्टल कर्नाटक में भी हम लोग हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और अब एक नजर आज के मौसम पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आंशिक रूप से बादल छाए हुए हैं। तापमान 24 से 35 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है। मुंबई, चेन्नई, अहमदाबाद और गुवाहाटी में तेज वर्षा के साथ बादल छाए रहेंगे। कोलकाता में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे, गरज के साथ आंधी वर्षा का अनुमान है। चंडीगढ़ में भी आसमान साफ रहेगा। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के जम्मू में न्यूनतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जबकि अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। शहर में मुख्य तौर पर आसमान साफ रहेगा। श्रीनगर में आसमान साफ रहेगा, न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ, जबकि अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है। लद्दाख में आसमान साफ रहेगा, लेह में न्यूनतम तापमान 0 से 2 डिग्री नीचे रिकॉर्ड किया गया, अधिकतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस रहने के आसार हैं। गिलगित में आसमान साफ रहेगा, दोपहर बाद या शाम तक बादल घिर सकते हैं, तापमान 8 और 25 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। मुजफ्फराबाद में तापमान 13 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा, आसमान साफ रहेगा। समाचार कक्ष से मैं सविता। एनटीपीसी लिमिटेड ने बिजली उत्पादन के दौरान उत्पन्न सह उत्पादों का 100% उपयोग करते हुए फ्लाई ऐश की आपूर्ति के लिए सीमेंट विनिर्माताओं के साथ समन्वय किया है। एनटीपीसी भारतीय रेलवे के विशाल नेटवर्क के जरिए किफायती और पर्यावरण अनुकूल तरीके से फ्लाई ऐश का परिवहन कर रहा है। ऊर्जा मंत्रालय ने बताया है कि सीमेंट विनिर्माताओं को कंडीशनड फ्लाई ऐश भेजने वाला पहला ऊर्जा संयंत्र उत्तर प्रदेश का एनटीपीसी रिहंद है। इस संयंत्र ने असम के नौगांव में डालमिया सीमेंट भारत लिमिटेड संयंत्र को 3,834 मीट्रिक टन कंडीशनड फ्लाई ऐश भेजी है। वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान 4,40,00,000 टन से अधिक फ्लाई ऐश का इस्तेमाल विभिन्न उत्पादक उद्देश्यों के लिए किया गया। एनटीपीसी प्रत्येक वर्ष लगभग 6,50,00,000 मिलियन टन ऐश का उत्पादन करता है। इनमें से 80% फ्लाई ऐश होती है। इस समय लगभग 73% ऐश का इस्तेमाल सीमेंट और फ्लाई ऐश ईंटों के निर्माण, सड़क तटबंध निर्माण, खदानों को भरने और निचले इलाके की भूमि के विकास के लिए किया जा रहा है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी कल जम्मू कश्मीर में जोजिला सुरंग का निर्माण शुरू करने के लिए पहला विस्फोट करेंगे। ये सुरंग श्रीनगर से लेह के बीच हर मौसम में सड़क संपर्क उपलब्ध कराएगी। 14.15 किलोमीटर लंबी ये सुरंग समुद्र तल से करीब 3,000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित जोजिला दर्रे में बनाई जाएगी। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का नवगठित त्रिची सर्किल देश की राष्ट्रीय विरासत से युवाओं को अवगत कराने के लिए जल्दी ही सांस्कृतिक अभियान शुरू करेगा। त्रिची सर्किल के अधीक्षक पुरातत्ववेत्ता डॉ टी अरुलराज ने आकाशवाणी को बताया कि इस अभियान में स्कूल और कॉलेज के विद्यार्थियों को शामिल किया जाएगा। ये अभियान विख्यात तंजावुर मंदिर के अलावा मदुरै, शिवगंगा और पुदुकोट्टई जिलों के विभिन्न महत्वपूर्ण सांस्कृतिक स्थलों को कवर करेगा। डॉ अरुलराज ने लोगों से विरासत स्थल और स्मारकों को किसी भी प्रकार की क्षति न पहुंचाने की अपील की। उन्होंने कहा कि स्थल हमारे अतीत के गौरव को भावी पीढ़ियों तक पहुंचाने के माध्यम हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में मूसलाधार वर्षा। हैदराबाद में तेज वर्षा के कारण रेड अलर्ट जारी। देश में अब तक 9 करोड़ से अधिक कोविड जांच की गई। स्वस्थ होने की दर 87% से अधिक हुई।
कोरोना वायरस के कारण सितंबर में परीक्षा नहीं दे सके परीक्षार्थियों की नीट परीक्षा जारी, परिणाम शुक्रवार को। सरकार ने देश के प्रमुख राजमार्गों और एक्सप्रेसवे पर इलेक्ट्रिक वाहनों की चार्जिंग के स्टेशन लगाने के प्रस्ताव आमंत्रित किए। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने वैश्विक आर्थिक वृद्धि दर के अनुमान को संशोधित किया। कोविड महामारी के मद्देनजर अब इसमें 4.4% गिरावट का अनुमान। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।